गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम एसएन सर, योर साइंस टीचर। टुडे वी क्लास 6। टुडे वी शैल बी स्टडीइंग दिस चैप्टर फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? सिंस फूड कहां से आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप गेस करिए कि आज आपके घर क्या बना हुआ है, अब उसे वो मटेरियल किस तरह का मटेरियल है, फूड की वैरायटी क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे आपने गेस किया कि आपके यहाँ आज चावल बना, चावल राइस बना हुआ है। लेकिन राइस बनने में आप देखेंगे कौन कौन से मटेरियल की हमको आवश्यकता होगी, इसको हम लिखते हैं। जो मटेरियल इनिशियल स्टेज में जो मटेरियल होता है उन्हें कहते हैं इनग्रेडिएंट, यानी कच्चा पदार्थ। इट मीन्स कच्चा पदार्थ आर खाद्य संगठन, खाद्य कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ। अब आपको इसको बनाने के लिए किस किस मटेरियल की आवश्यकता होगी, तब डायरेक्ट आपका राइस बन जाएगा। अदरवाइज पहले नहीं बनेगा। जैसे आपने चावल ले लिया, कच्चा चावल ले लिया, अब यही आपका एक बीकर, सपोज करें एक बीकर ले लें, बीकर में चावल डाल दें और चावल पकाने के लिए और किस चीज की आवश्यकता होगी देखते हैं। वाटर एक हो गया आपका, मान लिया बहुत बड़ा बड़ा चावल की वैरायटी बहुत बड़ी बड़ी है भाई, ये राइस है, ये वाटर है, इससे सब वाटर फिल कर। इस सेकंड वाले बीकर में, फर्स्ट बीकर में हमने देखा राइस, सेकंड बीकर में वाटर। अब इस दोनों को मिक्स किया गया, मिक्स होने के बाद आपका राइस बनकर तैयार हो गया। यह जो है आपका इधर कर दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, फूड आइटम। जैसे गेस करिए फूड आइटम, सेकंड इंग्रेडिएंट, इट मींस राइस बना, राइस में इंग्रेडिएंट मटेरियल कच्चा पदार्थ, राइस एंड वाटर, राइस प्लस वाटर, आपका फूड तैयार हो गया, आपने उसको किया। इसी प्रकार और गेस कर सकते हैं। आप आज क्लास में आए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें वो क्या क्या अपने टिफिन में लाए होंगे। इस तरह जैसे आप गेस करें कि मान लीजिए हम सोल्यूशन बना लेते हैं, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में किसका सोल्यूशन है, जब तक सोल्यूशन नहीं बना था, सोल्यूशन इज बिलियन, इट मीन बिलियन, सोल्यूशन इट मीन्स बिलियन, बिलियन में आप वाटर ले लेंगे एंड शुगर ले लेंगे। अब इसका बिलियन के एक प्रकार का मटेरियल आपका तैयार हो गया। मटेरियल जब तैयार हो गया और कोई एग्जांपल आप गेस करेंगे अपने घर पे भी करेंगे कि कोई चीज बना रहे हैं, दाल या कोई बना रहे हैं, उसमें किस किस चीज मटेरियल की आवश्यकता होगी। जैसे आपके यहाँ दाल बना, दाल में भी वाटर, नमक, साल्ट, ऐसे मटेरियल की आवश्यकता होगी, इंपॉर्टेंस इन मटेरियल। जब अदर प्रांत में है, अदर स्टेट के साथ में, खुदा खास्ता अदर स्टूडेंट के साथ में, अदर स्टेट के स्टूडेंट साथ में हैं, वहां देखेंगे इडली सांभर, यानी कहने का सेंस है जो फूड आइटम होता है, फूड आइटम आपका यह हो गया या कोई हो गया जो उसके साथ मटेरियल लगता है, कच्चा पदार्थ होता है, राइस एंड चावल या जो भी मटेरियल कच्चा पदार्थ होता है, पकने से पहले की स्टेजेस कहलाती है आपका इंग्रेडिएंट। इरेज कर दिया जाए,
यहां तक कुछ समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। आज आई होप आर स्टूडेंट अंडरस्टूड दिस पॉइंट। यस आर नो? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। क्या मटेरियल और उसके सोर्स, सोर्सेज में स्रोत, स्रोत जिसे कहते हैं आप, स्रोत उसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, स्रोत में आ गया। मटेरियल मीन्स पदार्थ, फूड मीन्स भोजन, यानी जो चीज हम खाते हैं भोजन ही है। अब भोजन का टाइप अलग अलग हो सकता है, जैसे कि देखेंगे फूड आइटम, एक टेबल बना दिया जाए, टेबल से और अच्छा किस होगा, टेबल हेडिंग फूड आइटम, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट सोर्सेस। अब यहां सोर्सेस का सेंस होगा वो सोर्स किससे बना, किससे मिला हुआ है, वो एनिमल सोर्स भी हो सकता है और प्लांट सोर्स भी हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे भाई सोचे क्या एनिमल सोर्स भी हो सकता है, टॉपिक थोड़ा हटकर देखते हैं। एनिमल सोर्सेस हम मानते हैं आप लोग कुछ कार्बन हर्बीवोरस होंगे या शाकाहारी होंगे, लेकिन हम पूरे मानव जात को कह रहे हैं, मानव वंश होते हैं, कुछ लोग उसमें ओमनिवोरस भी होते हैं जो कि आप मीट भी खाते हैं और शाकाहारी यानी खाद्य पदार्थ भी और खाते होंगे देखें, लेकिन कुछ चीज सभी लोग खाते हैं, चाहे हर्बीवोरस वाले हो, चाहे ओमनिवोरस वाले हो, चाहे हर्बीवोरस वाले हो, चाहे ओमनिवोरस वाले हो, जैसे आप कहते हो मिल्क, मिल्क मिल्क आपका उससे काउ से मिलता है, गोट से मिलता है। अब यह भाई गोट से जो मिलता है बहुत कम मटेरियल बहुत कम मिल पाता है, इस वजह से हम लोग भाई इसको नहीं यूज कर सकते हैं, वो सबके लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन काउ का मिल्क, बफेलो का मिल्क सबके लिए सफिशिएंट है, सब इसको यूज कर सकते हैं। कुछ लोग एक को मानते हैं कि एक जो होता है एक अंडा, ये जो है मांसाहारी, मांसाहारी है, लेकिन जब उसमें बच्चे डेवलप हो जाते हैं तो इन 21 डेज नॉट डेवलप इन चाइल्ड बेबी, सो हर्बीवोरस बट नॉट यूज, लेकिन आप लोग इसको नहीं खाइए, नहीं खाते, नहीं खाइए इसको, हम नहीं कर सकते प्योरली, ये शाकाहारी है। देखिए अब टॉपिक आ जाए फूड आइटम आपका हो गया, देखें नाउ दिस पॉइंट, नाउ दिस पॉइंट फूड आइटम इंग्रेडिएंट प्लांट सोर्सेस। आप एक टेबल बनाया है, टेबल को देख लेंगे, टेबल में जैसे आप सोच रहे हैं कि इडली बनाया जाए, इडली आपके यहाँ बना है, अब उसका इंग्रेडिएंट मीन्स कच्चा पदार्थ क्या क्या, उसमें कौन से मटेरियल लग रहे हैं, देखें आपने देखा राइस लगा, उड़द की दाल, साल्ट, वाटर, ये सब इंग्रेडिएंट मटेरियल है। और इसमें राइस प्लांट से आप मिलता है, उड़द की दाल प्लांट से मिलता है, साल्ट आपके सी से समुद्रों से मिलता है, वाटर भी मिलता है। ये क्वेश्चन होता है वाटर, वाटर जो होता है वाटर, हम लोग क्या करते हैं वाटर को हर जगह यूज कर सकते हैं, वाटर थ्री स्टेजेस पाया जाता है। ये टॉपिक थोड़ा हमने हटकर बताया, ये तीनों स्टेजेस में सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। देखिए अब ये मटेरियल प्लांट से आपका इतना मटेरियल आपका प्लांट से, इसका सोर्स हो गया प्लांट, प्लांट हो गया इसे मिला, फिर खीर। नाउ दिस पॉइंट सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इडली हो गया, सेकंड एग्जांपल खीर हो गया। अब खीर बना है उसमें कौन कौन से मटेरियल की इंपॉर्टेंस होगा, मिल्क, राइस,
एंड शुगर, शुगर तीनों देखेंगे। अब मिल्क, मिल्क लिया, मिल्क से मैंने कुछ मिनट पहले बताया था मिल्क जो होता है एनिमल से प्राप्त होता है जो कि सभी लोग खाते हैं और पीते हैं, इसमें यूज भी करते हैं। राइस प्लांट से मिलता है, शुगर भी प्लांट से। अब देखिए जो स्टेम आपका होता है, स्टेम है यह जो स्टेम, यह स्टेम सॉरी शुगर जो है आपके गन्ने से मिलता है जो कि स्टेम से होता है। इसका हम लोग रस जो निकालते हैं एक स्टेम के रूप में लगाया जाता है रूट और फ्लावर के संबंध में। हम समझते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टाइम पर प्रयास करिएगा और अच्छे से पढ़कर आइए, पूरा चैप्टर रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।